सिटी पोस्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका और एक बड़ी खबर जो है वो जहानाबाद से आ रही है। जहानाबाद में बालू माफियाओं द्वारा पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस हमले में एक सैप जवान समेत दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर के अनुसार जिले के घोसी थाना क्षेत्र के दरियापुर गाँव के समीप फल्गु नदी से कुछ लोग अवैध बालू खनन कर ट्रैक्टर पर उसे लोड कर रहे थे। इसी सूचना जैसे ही घोसी थाना को मिली, सूचना के बाद घोसी थाना की पुलिस अपने दल बल के साथ फल्गु नदी के पास पहुंची, समीप पहुंची। पुलिस ने एक बालू से लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। लेकिन जैसे ही पुलिस ट्रेन जो थी वो ट्रैक्टर पकड़ करके थाना लेकर के जाने लगी, बालू माफिया के गुंडों ने हमला बोल दिया। जी हाँ, पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। हमला बोलने वाले गुंडे जो थे वो लाठी डंडे से लैस थे। जब तक कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते, उनके ऊपर गुंडे टूट पड़े, यानी कि उनका अटैक हो गया, पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में दो पुलिसकर्मी सत्येंद्र सिंह एवं गुड्डू कुमार घायल हो गए। बालू माफिया ट्रैक्टर छुड़ा करके उसे ले भागने में सफल हो गए। हमले की सूचना मिलते ही घोसी थाना इंचार्ज मौके पर पहुंच करके दोनों घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद भेजी है। और फिलहाल पुलिस जो है वो हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।